ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मेनपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एलाव थाना क्षेत्र के एलाबांस में आरोपी अफरोज अपने घर में साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 अवैध तमंचे सहित यहां हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे इन तमंचों को 5,000 से 8,000 रुपए तक की कीमत में एटा, इटावा और कन्नौज समेत अन्य जिलों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पर राज्य थाना इलाहाबाद क्षेत्र ने वहाँ के प्रभारी भारद्वाज और साइबर सेल के प्रभारी विक्रम सिंह उनकी टीम, इन लोगों के द्वारा पिछले दिनों कुछ इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि इलेक्शन में उपद्रव करने के लिए अवैध असलहों का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी में पैरेलल लिसनिंग पर इस चीज़ों को लिया गया और राजू और ये अफरोज दो बदमाश जो पकड़े गए, इनके कब्जे से जैसा आप देख रहे हैं ये 8 तमंचे जो कि बिल्कुल निर्मित हैं, 10 तमंचे हैं जो कि अर्ध निर्मित हैं और साथ में खोखा कारतूस और पूरा बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी जैसे कि तमंचे बनाते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि 500 से 700 रुपए पर असलहे बनाने की काश्त आती है, जिसको 5,000 से लेकर के और अधिक तक के दामों में बेचते हैं।